चक्रवाती तूफान विपोर्जा पाकिस्तान की तरफ बढ़ा, जमीन से टकराने के बाद हवा की रफ्तार में आई कमी। जखौ के तटीय इलाके से टकराने के बाद हवा की अधिकतम रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। गुजरात में आज भारी बारिश की आशंका। गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने देर रात जारी की नुकसान की रिपोर्ट, बताया कि तूफान से करीब 22 लोग हुए घायल, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 23 मवेशी की मौत हुई, 524 पेड़ हुए धराशाही। विपोर्जा के लैंडफॉल के बाद कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे, 940 गांवों की बिजली काटी गई। कच्छ के मांडवी में दिखा विपोर्जा का कहर, किसी घर की टाइल उखड़ गई तो किसी घर की छत उड़ गई। मांडवी में तेज हवा से कई जगह छत उड़े, कई टेंटों को भी पहुंचा नुकसान। वडोदरा में विपोर्जा का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। भुज में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, लोगों को घरों में रहने की दी गई है चेतावनी। गुजरात के साइक्लोन प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 13 टीमों की तैनाती, दमन दीव में एक टीम रेस्क्यू के लिए मौजूद। कोस्ट गार्ड ने भी किसी भी हालात से निपटने के लिए 15 जगह स्टैंड बाई पर रखे हैं, रेस्क्यू के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी तैनात। गुजरात के 10 शहरों पर विपोर्जा का सबसे ज्यादा असर, 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। गुजरात के नवसारी में सभी स्कूल 16 जून तक बंद, जिला कलेक्टर ने जारी किया नोटिफिकेशन। विपोर्जा तूफान का आज दिखेगा राजस्थान पर असर, दक्षिणी राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। राजस्थान के 5 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पश्चिमी रेलवे ने विपोर्जा के खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरती, 18 जून तक 99 ट्रेनों को रद्द किया गया। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेलवे की तरफ से भी इंतजाम किए गए, आरपीएफ की 8 कंपनियां लैंडफॉल वाले इलाके में तैनात। करीब 20 लोकेशन पर सैटेलाइट फोन मुहैया कराएगी रेलवे, मोबाइल सर्विस में आए डिसरप्शन के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने में मदद करेंगे सैटेलाइट फोन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कर रहे हालात को मॉनिटरिंग, समीक्षा बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों के साथ वर्चुअल कनेक्ट रहे। महाराष्ट्र के पालघर की ड्रोन तस्वीर आई सामने, तूफान विपोर्जा का दिख रहा है असर, तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें, तटीय इलाकों में उखड़ गए कई पेड़। उत्तरकाशी में देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को सिर तन से जुता की धमकी मिली, एक पैम्फलेट पे लिख कर दी गई धमकी। स्वामी दर्शन भारती के घर में पत्थर से बांधकर फेंका गया धमकी भरा पैम्फलेट, किसी मुर्शिदे इकबाल के नाम से लिखा गया पैम्फलेट। पैम्फलेट में लिखा है कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गजवाए हिंद की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। देहरादून में स्वामी दर्शन भारती के घर पर तैनात की गई फोर्स, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड में अब 25 जून को होगी हिंदू संगठनों की महापंचायत, बड़कोट में महापंचायत करने का ऐलान। महापंचायत को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीबी डिबेट व सोशल मीडिया पर रोक। देहरादून में 18 जून को महापंचायत पर अड़े मुस्लिम संगठन, डीजीपी ने मुस्लिम समुदाय से मुलाकात की। रेसलर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे, दिल्ली पुलिस लेगी वापस, सूत्रों के मुताबिक पुलिस एलजी और दिल्ली सरकार को भेजेगी प्रस्ताव। रेसलर साक्षी मलिक ने बताया कि चार्जशीट में साफ कहा गया कि ब्रजभूषण दोषी है, आरोप पत्र के लिए वकीलों ने दिया है आवेदन। साक्षी मलिक के मुताबिक आरोप पत्र देखने के बाद पता चलेगा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, उसके बाद तय किया जाएगा अगला कदम। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा, जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। राजभवन में सुबह 10:30 बजे होगा रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण समारोह, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेंगे रत्नेश। विज्ञापन की वजह से आई दरार के बाद साथ दिखे सीएम शिंदे और फडणवीस, पालघर में सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में शेयर किया मंच। विज्ञापन विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक विज्ञापन से हमारे बीच नहीं आएगी कोई दूरी। सीएम एकनाथ शिंदे ने फडणवीस और अपनी जोड़ी को बताया फेविकॉल का जोड़, कहा कि दोस्ती नहीं टूटेगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कसा तंज, कहा इस विज्ञापन में कहीं ना कहीं फडणवीस को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा कि कोई शब्द नहीं अब सिर्फ एक्शन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा अब आप देखेंगे ठोस कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ होगा कड़ा एक्शन। बंगाल में पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी हिंसा हुई है, बीरभूम के सैंथिया में उपद्रवियों ने किया पथराव। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, नॉमिनेशन के दौरान हिंसा होने का लगाया था आरोप। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का घेराव किया, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या का आरोप। नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी का इससे कुछ लेना देना नहीं, पुलिस को कड़ा एक्शन लेने को कहा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीपीआईएम का प्रदर्शन, चोपड़ा ब्लॉक में नामांकन के दौरान हिंसा को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। मणिपुर में फिर हिंसा, सुरक्षा बलों उपद्रवियों के बीच झड़प, कई घरों को आग लगाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े। मणिपुर में हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम एन बीरेन शाह, कहा कि दोषियों का पता लगाने के लिए चलाई जा रही है कॉम्बिंग ऑपरेशन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे गोवा विधानसभा के स्पीकर ने बुलाया था, सभी ने विधानसभा के भीतर खिंचवाई तस्वीर। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा के लिए बताया ऐतिहासिक दिन, पहली बार कोई लोकसभा स्पीकर गोवा विधानसभा में आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, सीएम ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना।
सीएम योगी ने अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये नई अयोध्या है, यहाँ अगले साल भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भरत कुंड में आयोजित की गई जनसभा, सीएम योगी ने मंदिर उद्घाटन की तैयारियां दीपोत्सव के साथ शुरू करने की बात कही। तमिलनाडु के बिजली मंत्री भी शैंथिल बालाजी को कावेरी हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिफ्ट हुआ। सेंथिल बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया है गिरफ्तार। सेंथिल बालाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओमांदुरार अस्पताल में कराया गया था भर्ती। दिल्ली के मयूर विहार में एक बेकरी हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में तेल के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोदाम के निचले हिस्से में लगी थी आग, एडिबल ऑयल होने की वजह से तेजी से फैली आग, घर में आग के दौरान बैटरी में हुआ तेज धमाका। असम के नौगांव पहुंची सीबीआई की टीम, सब इंस्पेक्टर मोनी राभा की संदिग्ध मौत मामले में जांच के लिए जारी। एमपी के इंदौर में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंदौर पुलिस के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 5 पुलिस वालों सहित कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, कहा कि गलत काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, हत्या के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया। मृतक महिला के भाई ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत, बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर के सिविल लाइन्स इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया। रैकेट का संचालक और मकान मालिक भी गिरफ्तार, पुलिस ने केस दर्ज करके कोर्ट में किया पेश। बिहार के भागलपुर में बम ब्लास्ट, जिले के मनोहरपुर गाँव में हुआ ब्लास्ट, विस्फोट में 2 बच्चे घायल। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, घटना की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम, घटनास्थल से सबूत जुटा रही है, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर। दिल्ली में पुलिस ने पकड़ी कोकेन की बड़ी खेप, कोरियर के जरिए लाया गया था कोकेन। थर्माकोल के बॉल के अंदर छुपाकर लाया गया था कोकेन, पुलिस अब कोकेन की कर रही है जांच। प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की, कहा 9 साल गति और प्रगति के नाम। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने डील पर लगाई मुहर, सीसीएस की मीटिंग में होगा अंतिम फैसला। हैदराबाद में पाम प्लांटेशन कार्यक्रम की शुरुआत, योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया कार्यक्रम को शुरू, 1.5 लाख एकड़ में पाम प्लांटेशन। स्वामी रामदेव ने कहा कि पाम प्लांटेशन से किसानों को फायदा होगा, मोदी सरकार दे रही सब्सिडी, पतंजलि अब 2000 करोड़ करेगी इन्वेस्ट। कनाडा में मैनिटोबा के पास हाईवे पर एक बस और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 15 बुजुर्गों की मौत। हादसे में बस में सवार 10 बुजुर्ग हुए जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, पुलिस कर रही है हादसे की जांच। इटली में यूट्यूब चैलेंज ने ली एक 5 साल के बच्चे की जान, एक लंबोर्गिनी एसयूवी ने एक छोटी कार को मारी टक्कर। पुलिस के मुताबिक एक यूट्यूब चैनल के मेंबर चला रहे थे लंबोर्गिनी एसयूवी, 50 घंटे तक कार चलाने का था चैलेंज। दक्षिण जर्मनी के एक ऐतिहासिक महल के पास 2 अमेरिकी पर्यटकों पर हमला, एक महिला पर्यटक की मौत। जर्मन पुलिस ने एक अमेरिकी शख्स को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया, आरोपी ने दोनों पर्यटकों को दिया था धक्का। यूक्रेन के खेरसों पर रूस एयर स्ट्राइक, एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया मिसाइल ने। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी फाइटर्स ने ब्लैक सी से किया हमला, भारत के इमारत के बीच में लगी मिसाइल। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगी अनोखी प्रदर्शनी, रूस के जब्त और तबाह किए गए हथियारों को दर्शाया गया। कीव के चौराहे पर रूसी T-20, T-90 रखे गए हैं, कई ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी यहां पर लोग देखने आ रहे हैं। फिलीपींस में ज्वालामुखी से लावा निकलने का सिलसिला जारी, अब तक 18,000 लोगों को आसपास के इलाकों से हटाया गया। माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा बार फतेह करने में जुटे हैं 2 नेपाली शेरपा, कामीरिटा और पसांग दवा के बीच है कड़ी टक्कर। भारत का व्यापार घाटा 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, मई महीने में निर्यात में आई 10.3% की गिरावट। भारत में मई में किया गया करीब 34 अरब 98 करोड़ डॉलर का निर्यात, व्यापार घाटा घटकर अब 22 अरब 12 करोड़ डॉलर पर पहुंचा है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क घटाया, 17.5% से घटाकर करा 12.5%। इंडोनेशिया ओपन में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को हराया, सीधे सेमीफाइनल में शिकस्त। HS प्रणय ने हांगकांग के शटलर को शिकस्त दी, तीसरे दौर में अब जापान के कोडाई नारोका से होगी टक्कर। मेंस डबल्स में स्वात्विक चिराग की जोड़ी जीती, चीनी जोड़ी को मात दी। पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में हारी, चीनी ताइपे की शटलर सीधे गेमों में चीनी ताइपे की शटलर ने शिकस्त दी। एशिया कप की तारीखों का ऐलान, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे मैच। एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में हो सकता है, भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने जारी किया लीड स्पॉन्सर के लिए टेंडर, अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 26 जून, 5 लाख प्लस जीएसटी के साथ खरीद सकते हैं टेंडर। चीन में चला लियोनेल मेसी का जादू, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80वें सेकंड में गोल किया। बीजिंग में मेसी ने किया शानदार प्रदर्शन, अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। फीफा ने किया ऐलान, दिसंबर में पद छोड़ेंगे फीफा महासचिव फातिमा समारा।
प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष आज होगी बड़े पर्दे पर रिलीज। पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की उम्मीद। आदिपुरुष के रिलीज से पहले मिल रहे रेस्पॉन्स पर कृति सेनन ने कहा कि मौजूदा पीढ़ी बड़े पर्दे पर रामायण देखना चाहती, ये जानकर खुशी है। इमरान हाशमी ने किया साउथ की फिल्मों का रुख, पवन कल्याण की फिल्म ओजी में नेगेटिव रोल में डेब्यू करते नजर आएंगे।